कोरबा रेलवे स्टेशन परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पब्लिक टॉयलेट पर आगजनी की घटना सामने आई। देखते ही देखते पब्लिक टॉयलेट जलने लगा और आग की लपटें देख लोगों में हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना पर तत्काल दमकल वाहन को दी गई, जहां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब जाकर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। कोरबा रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद पब्लिक टॉयलेट में आग लगने की घटना ने आम जनता के साथ ही रेल प्रबंधन को सकते में डाल दिया। सुबह करीब 4 बजे यह घटना दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलने के साथ ही रेलवे के आला अधिकारी और लोगों का मजमा मौके पर लग गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। सूचना मिलने के बाद स्टेशन मास्टर AK गुप्ता मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को जानकारी दी। फाटक बंद होने के चलते दमकल को मौके में पहुंचने में विलम्ब हो गया। तब तक पब्लिक टॉयलेट का काफी हिस्सा बुरी तरह से जल चुका था। घंटों मशक्कत के बाद दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि पब्लिक टॉयलेट के पास कचड़ों के ढेर में आग लग गया था। ऐसा माना जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की करतूत के कारण आगजनी की घटना घटी है, जिसकी सूचना उनके द्वारा रेलवे RPF पोस्ट व कोतवाली पुलिस को दी गई है। पब्लिक टॉयलेट के आसपास ऑटो स्टैंड और रेलवे स्टैंड संचालित है, जहां समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। पब्लिक टॉयलेट में आग पकड़ ली है। जैसे सूचना मिली है तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया है और लोकल में फायर इंस्पेक्टर को भी किया गया है, लेकिन आग भयावह थी। फायर ब्रिगेड को आते आते समय लगे 5:12 में, 4 इंफॉर्मेशन हम लोग सूचित किए हैं 4:50 में, 5:12 में फायर ब्रिगेड आ करके 5:20 तक आग पर काबू पा लिया गया। बहुत ही सस्पेक्ट लग रहा है, तो भिखारी वगैरह कोई आग यहाँ पर जलाया था लगता है, देखने को प्रस्तुत हो रहा है या तो शॉर्ट सर्किट। रेलवे के पब्लिक टॉयलेट में आग कैसे और क्यों लगी, इस बात की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मनोज यादव।